नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कक्षा 8 का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। चलिए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सब भारतवर्ष किस अतीत के गब्बर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा ईमानदारी सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी यह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं
जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, दो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्नों को। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर। विश्वासघात नाम की
चीज मिलती है, पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। अब अगला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? पर्दाफाश का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, मतलब किसी चीज को उजागर करना। तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएं। अब अगला प्रश्न है कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है, साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इसके लिए आएगा तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, अविश्वास बढ़ेगा। अब है दो लेखक और बस यात्रा। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। अब है सार्थक शीर्षक। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने कहा है, जिससे हम निराश ना हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराश से आशा भी रख सकते हैं। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उस पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्या निराश हुआ जाए के बाद में चिन्ह, क्या निराश हुआ जाए? पहले हम यहाँ पर जो क्या है, क्या कैसा है, प्रश्नवाचक, इसलिए हम क्या करेंगे, जाए के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि चाहिए, इसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अब अगले प्रश्न का आंसर कि आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। अब आती भाषा की बात। तो बच्चों, ये आपको यदि विस्तार से भाषा की बात जाननी है तो उसके लिए आप हिंदी ग्रामर के सारे वीडियोज आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएंगे। आप देखते हैं, भाषा का मतलब होता है यहाँ पे व्याकरण से संबंधित है। भाषा का मतलब दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। यहाँ पे समास की चर्चा की गई है। समास का एक प्रकार है द्वंद समास, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। द्वंद का मतलब होता है जैसे माता और पिता, तो यहाँ पर द्वंद समास। जब दोनों भाग प्रधान होते हैं तो एक दूसरे में द्वंद, द्वंद
मतलब स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी के पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम, चरम परम, भीड़ और बेबस, भीड़ बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है, कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो सुख और दुख, सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते और जाते, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, राम और सीता, राम सीता, आना और जाना, आना जाना। अब अगला है पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। इसमें संज्ञा के बारे में बताया गया है, जातिवाचक संज्ञा, बस यात्री, मनुष्य ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू मुस्लिम, आर्य द्रविड़, पत्नी पति इत्यादि। फिर आता है भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे। अब देखते हैं हम शब्दार्थ। धर्म भीरू, जिसे धर्म छोड़ने का भय हो, अधर्म से डरने वाला, पर्दाफाश, भेद खोलना, दोष प्रकट करना, उजागर, प्रकट करना, गंतव्य स्थान जहाँ किसी को जाना हो, ढाढ़स, दिलासा, धीरज। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।